डोरेमोन एक ऐसा कार्टून जो आजकल के सभी बच्चों के दिलों में राज करता है। इस कार्टून ने हमें इतना दीवाना बना दिया है कि हम इसके एक एपिसोड बार बार देखने को भी तैयार हैं। बट जितना ये कार्टून इंटरेस्टिंग है उतना ही मिस्ट्रियस भी है। कई बार तो हम खाली बैठकर ये भी सोचते रहते हैं कि अगर नोबिता के पास एनीवेयर डोर है तो वो स्कूल के लिए लेट कैसे हो जाता है। और ऐसे बहुत से ख्यालों पकाव हैं जो हमारे दिमाग में इस कार्टून को लेकर आते रहते हैं। बट एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है और जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है। सो आज हम आपके उसी क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी हाँ, वही प्रश्न कि क्या डोरेमोन असली कहानी पर बनी है, क्या नोबिता रियल में है, और अगर है तो अभी कहाँ है, और डोरेमोन के पास ऐसे गैजेट्स कहाँ से आए। सो इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। डोरेमोन कार्टून एक असली कहानी पर बना है। दरअसल जापान में एक बच्चा रहता था जिसका नाम नोबिता नोबी था और उसको सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान की स्पष्ट रूप से सोचने, महसूस करने और बात करने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही दिमाग पर काबू करने की शक्ति भी कम हो जाती है। और इस बीमारी के चलते नोबिता को उसके स्कूल में चिढ़ाया भी जाता था और परेशान भी किया जाता था। उसके दोस्तों ने उसे इस डर से छोड़ दिया कि वे एक दिन उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है और वो अकेला हो गया था। उसके इस बीमारी के चलते वो ऐसी चीजों को इमेजिन करता था जो वास्तव में है ही नहीं, और इसी के चलते वो एक नीली बिल्ली जिसके पास एक पॉकेट है उसकी कल्पना करने लगता है। और तो और उसे लगता है कि वो बिल्ली उसकी सहायता के लिए आई है, जिसको भविष्य से 22वीं सदी में भेजा गया है, इंसानों द्वारा बनाई गई एक रोबोट। और वो ये बात सभी लोगों को बताता भी है। ये सारी चीजें मात्र उसकी कल्पना होती है। डोरेमोन इंसानों द्वारा बनाया गया एक रोबोट था जो अपने गैजेट्स के द्वारा नोबिता की मदद करता था। नोबिता की इमेजिनेशन इतने आगे बढ़ गई थी कि उसने अपने रूम में डोरेमोन के लिए एक बिस्तर भी तैयार किया था। 16 साल की उम्र में वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए उसने मेडिकल काउंसलिंग शुरू की। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि डोरेमोन कोई भी चीज नहीं है, वो मात्र उसकी एक कल्पना है जिसे उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसने नोबिता को पूरी तरह से सदमे में छोड़ दिया और फिर से वह अकेला हो गया था। उसको इसके चलते मानसिक आघात लगा। अंत में नोबिता सच्चाई को सहन नहीं कर सका, उसने अपने पिता की बंदूक से खुद को गोली मार ली और 16 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। तो नोबिता की भावना को श्रद्धांजलि देने के लिए डोरेमोन कार्टून बनाया गया था और इस कार्टून की शुरुआत इसी के चलते हुई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।